हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, वो भी साड़ी के लिए। तो कैसे बनाना है सब कुछ वीडियो में डिटेल में मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये बॉडी लोशन यूज कर सकते हो। ये बॉडी लोशन आपको, ये बड़ा वाला फाइल मैंने लिया है, ये मुझे पड़ा है 375 रुपए में एंड ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। आप इसको अपनी फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, बॉडी लोशन है बट मैं अपने फेस पे भी अप्लाई करती हूँ और मेरा फेस काफी अच्छा रहता है। ड्राई स्किन के लिए बेस्ट रहेगा, आपके एजिंग को कंट्रोल करेगा और डीप मॉइस्चराइजिंग रखता है, काफी अच्छा है। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, ये 400 ml का है। तो वैसलीन डीप मॉइस्चराइजिंग इंस्टेंट केयर विथ प्योर और एक्स्ट्रा वैसलीन जेली ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है। स्पेशली ड्राई स्किन के लिए इसको बनाया गया है एंड मैंने इसको यूज किया, मेरी भी स्किन काफी ड्राई है एंड काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। आप इसको एक से दो बार लगाओगे तो ही आपको पता चल जाएगा, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए साड़ी डालते हो। वेडिंग सीजन चल रहा है तो अगर आपको कुछ अच्छा सा हेयर स्टाइल चाहिए सेल्फ, तो आप ये बना सकते हो। तो आज ही मैंने अपना हेयर वॉश किया है तो आपको इस तरीके से हेयर को लेना है, पतले पतले लेयर्स लेके और ट्विस्ट करते जाना है। इसी लेयर के अकॉर्डिंग, जैसे ये मांग निकली हुई है, इसी के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े हेयर लेके आपको इसके साथ मिक्स करते जाना है एंड इसको थोड़ा थोड़ा आप खींच दोगे ऐसे, ताकि फ्रंट में बहुत ज्यादा फ्लैट लुक ना आए आपके बालों का। ओके, तो इसको बैक साइड में इस तरीके से क्लिप से सिक्योर कर देंगे। फिर दूसरी साइड में भी, ये देखिए यहां से मैंने उठाया, देन इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। आप किसी की चाहो तो हेल्प भी ले सकते हो इस हेयर स्टाइल के लिए और सेल्फ भी बना सकते हो। मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके की सेल्फ वीडियोस बहुत सारी मिलेंगी, मेकअप से रिलेटेड, ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड एंड हेयर स्टाइल से रिलेटेड तो बहुत सारी मिलेंगी। और इसको भी टिक टैक क्लिप में पीछे सिक्योर कर दिया है। अब इसी तरीके से पूरे हेयर को बनाना है। इस तरीके से लेयर्स निकाल लीजिए, तो आप पहले निकाल दीजिए बट मैं यहाँ पे नहीं निकाल रही हूँ, आपकी चॉइस है, आपको निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। और ये हेयर कलर का काफी लोग पूछ रहे हैं कि मैम कौन सा हेयर कलर है, तो ये निशा हेयर कलर है, निशा गोल्डन हेयर कलर। आप ये ऐसे डालोगे गूगल या मीशो किसी पे, सॉरी फ्लिपकार्ट या मीशो पे, तो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा ये। इस तरीके से आपको रखना है एंड क्लिप की मदद से सिक्योर करते जाना है। एक साइड का आपका इस तरीके का लुक आएगा, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी बनाना है। साड़ी के लिए, गाउन के लिए, लहंगे के लिए बेस्ट रहेगा गाइस, और ज्वेलरी वगैरह सब कुछ पहनोगे तो काफी अच्छा और खूबसूरत सा लुक आएगा आपके हेयर स्टाइल का।
काफी प्यारा और क्विक हेयर स्टाइल, सेल्फ हेयर स्टाइल है एंड इजी भी है, तो आप इजीली बना सकते हो इसको। इतना करने के बाद से आपको सिंपली एक पोनी बनानी है। पोनी बनाने के बाद इस हेयर स्टाइल के लिए आपको एक डोनट बन की जरूरत होगी। अगर वेडिंग फंक्शन के लिए आप हेयर स्टाइल बना रहे हो या फिर कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल ढूंढ रहे हो तो एक डोनट बन तो रखना बनता है, तो एक डोनट बन आप रख लीजिएगा। देन सारे हेयर को एक साथ पकड़ के ना ज्यादा ऊंचा ना ही ज्यादा लो एक पोनी बना लेनी है आपको। ओके, जो भी क्लिप्स आपके पोनी के अंदर आ रहे हैं उसको आप रिमूव कर सकते हो। डोनट बन को आपको इसके ऊपर लगा देना है और यूपिन की मदद से सिक्योर कर लेना है। ओके, अब आपको क्या करना है, हेयर के थोड़े थोड़े से पार्ट्स लेने हैं, देन इसमें रबर बैंड लगाते जाना है। चार पांच लेयर्स लेके आपको रबर बैंड लगा देना है अच्छे से। इस तरीके से इसको ट्विस्ट कर लेना है। ट्विस्ट करने के बाद से थोड़ा थोड़ा से इसको खींच लेंगे और डोनट बन के ऊपर इस तरीके से रखना है एंड यू पिन से सिक्योर कर देना है। ओके, इसी तरीके से सारे लेयर्स को ट्विस्ट कर लेना है। इस तरीके से बाकी बच्चे हेयर्स को भी इसी तरीके से रबर बैंड लगा लेना है, देन ट्विस्ट कर लेना है और इस तरीके से डोनट बन के चारों तरफ यूपिन की मदद से सिक्योर कर देना है। अभी ये एक लास्ट लेयर बचा है अपना, इसको भी सिंपली रबर बैंड लगा देना है। और डोनट बन को अच्छे से हाइड कर लेना है।
अब यहाँ का जो हमारा ट्विस्टिंग है ये थोड़ा सा लूज पड़ गया है, तो इसको हम लोग ऐसे उठाएंगे, दैनिक बॉबी क्लिप की मदद से सिक्योर कर लेंगे। ओके, अब ये जो हेयर बचे हैं इनको आपस में ट्विस्ट कर लेंगे। और यू पिन से सिक्योर कर देंगे। अब आपको जहां जहां लगे कि आपका डोनट बन दिखाई दे रहा है वहां भी इस तरीके से हेयर को आपस में पकड़ना है एंड यू पिन की मदद से सिक्योर करते जाना है। और ये सेल्फ ब्राइडल बन बोल दो, साड़ी के लिए, गाउन के लिए, जैसे भी आप चाहो वैसे इसको बना सकते हो। और ये हमारा बन बन के रेडी हो गया है, सिंपल इजी क्विक वेडिंग बन हेयर स्टाइल। इसी तरह आप इयरिंग्स वगैरह ट्राई कर सकते हो, गाउन ड्रेस है तो आप बहुत अच्छे अच्छी ज्वेलरी, तो ऑब्वियसली बात है कि वेडिंग फंक्शन के लिए रेडी हो रहे हो तो ज्वेलरी तो होगी ही आपके पास, तो आप वो ज्वेलरी डाल लेना। तो कैसा लगा आपको आज का हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो और हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसको डेकोरेट करने के लिए आप थोड़ा सा फ्लावर वाली यूपीएस वगैरह ट्राई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। एंड ये है फाइनल लुक हेयर स्टाइल का। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल लग रहा है, यहाँ पे मैं एक यूपिन और लूंगी और इसको अच्छे से सेट कर दूंगी। हो गया।